हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ सोया मलाई चाप। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और बनाने में भी बहुत आसान है, तो एक बार आप इसे ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगा। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो ये सोया चाप लिया है। ये किसी भी ग्रॉसरी स्टोर पर आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसकी स्टिक को हम निकाल लेंगे, और अगर ये स्टिक आपसे आसानी से ना निकले तब आप इसे आधे घंटे के लिए नॉर्मल पानी में भिगो लीजिएगा, तो बड़ी आसानी से फिर ये निकल आएंगी। तो मैं एक ही करके अपनी सारी सोया चाप में से स्टिक को निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सभी में से निकाल लिया, तो अब इसे हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। और यहाँ पर मैंने एक बड़ा बोल लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप दही। तो मैंने यहाँ पर फ्रेश दही लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप क्रीम। तो ये अमूल की फ्रेश क्रीम है, आप चाहो तो घर की मलाई भी ले सकते हो जो दूध के ऊपर जम जाती है। आधा कप मैं डाल रही हूँ इसमें काजू का पेस्ट। तो ये 18 से 20 काजू जिसे मैंने थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में भिगो लिया था, उसके बाद मैंने इसका पेस्ट बना लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च और धनिया का पेस्ट। तो मैंने थोड़ी सी धनिया ली थी और 3 हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बना लिया है। 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मैं इसमें कुछ मसाले डाल रही हूँ। तो 1 चम्मच मैं डाली हूँ गरम मसाला, 1 चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। तो इसे डालेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम नमक डाल लेंगे। और लास्ट में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नींबू का रस। अब हम सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से मिला लेंगे। तो इसे मैंने एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये देखिए। अब इसमें हम एक ही करके अपनी सारी सोया चाप डाल लेंगे जो हमने पहले से ही स्टिक से निकाल के रखी थी। अब इसे हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि हमने इसमें जो भी चीज़ें डाली हैं वो सोया चाप के अंदर एकदम अच्छे से चली जाएं। और इसे अब हमें मैरिनेशन के लिए रखना है, तो कम से कम आपको आधे घंटे के लिए इसे फ्रिज में रखना है, और ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है, आप इसे 1 दिन के लिए भी रख सकते हैं। तो इसे मैंने एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे मैं ढककर 1 घंटे के लिए फ्रिज में लगा दूंगी। तो 1 घंटे बाद देखिए एकदम अच्छे से ये मैरिनेट हो गया है। तो अब इसे हमें फ्राई करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है। पैन में मैं डालूँगी 1 चम्मच बटर। थोड़ा सा मैं इसमें तेल भी डाल रही हूँ ताकि जो बटर है वो हमारा जले ना, तो मैंने 1 चम्मच डाला है। अब हम बटर को पैन में एकदम अच्छे से फैला लेंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम पे रखेंगे। अब इसमें हम एक ही करके अपनी सारी सोया चाप डाल लेंगे और इसे एकदम अच्छे से फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। आप चाहो तो आप इसे सिर्फ तेल में भी फ्राई कर सकते हो। अब जब ये एक साइड से हल्की सी फ्राई हो जाएंगी तब इन्हें हम पलट लेंगे, और बीच बीच में इसको हल्का हल्का हम टॉस भी करेंगे ताकि एकदम अच्छे से ये फ्राई हो। तो यहाँ पे देखिए एक साइड से ये हल्की हल्की फ्राई होने लगी है, तो इन्हें हम पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी इनको हम फ्राई होने देंगे। तो इसी तरीके से इसको पलटते पलटते फ्राई कर लेंगे, और तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक एकदम अच्छा सा इसमें लाइट गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। तो यहाँ पे देखिए मैंने एकदम अच्छे से इनको फ्राई कर लिया है, और बीच बीच में मैंने इस तरीके से इनको टॉस भी किया था। और मुझे ना ये थोड़े से अच्छे से फ्राई किए हुए पसंद है, इसीलिए मैंने इनका कलर थोड़ा सा डार्क रखा है। आप चाहो तो लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई कर सकते हो। तो मैंने एक ही करके सारी सोया चाप को प्लेट में निकाल लिया, और इसी तरीके से मैंने अपनी सारी सोया चाप को फ्राई कर लिया। तो इसे अब हम पीसेज में कट कर लेंगे। तो मैं 1 चाप की 3 पीसेस कर रही हूँ, आप चाहो तो 4 भी कर सकते हो। ये देखिए इस तरीके से। तो इसी तरीके से मैंने अपनी सारी चाप को पीसेस में कट कर लिया है। अब मैंने फिर से वही पैन लिया है, पैन में डालेंगे 1 चम्मच बटर। बटर को हल्का सा मेल्ट हो जाने देंगे। अब इसमें जो बचा हुआ मैरिनेट है वो डाल लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए पकाएंगे। तो इसे मैंने 1 मिनट तक पका लिया है। अब इसमें हम अपनी सोया चाप की पीसेस को डाल लेंगे और इसे एकदम अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे।
तो इसे मैंने एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम मीडियम फ्लेम पर इसे एक मिनट के लिए और पका लेंगे। तो इसे मैंने एक मिनट तक और पका लिया। अब हमारी जो सोया मलाई चाप है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर लूँगी और इसे मैं अब सर्व करूँगी। तो ये देखिए इसका टेक्सचर। आप इसे रुमाली रोटी के साथ या फिर नान के साथ या फिर पराठे के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। एक बार आप इसे ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगा। रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।